बच्चों आज हम एक नई कहानी सुनेंगे, माँ की प्यारी सीख। तो आइए शुरू करते हैं। चेतन अपनी माँ के साथ एक बहुत अच्छे घर में रहता था। वह एक बहुत अच्छा लड़का था और सदा अपनी माँ का कहना मानता था। चेतन की माँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। चेतन को पकवान खाना बहुत पसंद था। एक दिन चेतन की माँ ने बहुत बढ़िया कुकीज बनाकर एक बड़े जार में रख दी और फिर बाजार चली गई। बाजार जाने से पहले चेतन की माँ उसको कह गई थी कि अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद वह कुकीज खा सकता है। चेतन बहुत खुश था। उसने जल्दी से अपना गृह कार्य समाप्त करके अपनी माँ के लौटने से पहले ही कुकीज खानी चाहिए, इसलिए वह एक स्टूल पर चढ़ गया। फिर उसने जार के अंदर अपना हाथ डालकर ढेर सारी कुकीज निकालने की कोशिश की, पर जार का मुंह छोटा होने के कारण वह अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सका। उसी समय उसकी माँ बाजार से लौट आई। तब उसने चेतन को देखा तो वह हंसने लगी और उसने अपने बेटे चेतन से कहा, चेतन हाथ में ढेर सारी कुकीज छोड़कर केवल दो या तीन कुकीज हाथ में पकड़कर बाहर निकालो। माँ की बात सुनकर जब उस चेतन ने सिर्फ दो कुकीज जार से निकाली तो वह आसानी से अपना हाथ बाहर निकाल सका। तब उसकी माँ ने चेतन से कहा, ऐसा करने से तुमने क्या सीखा? तो चेतन ने कहा, मैंने सीखा कि किसी भी चीज का लालच करना अच्छी बात नहीं है। हमें उतनी ही चीज लेनी चाहिए जितनी जरूरत हो। तो बच्चों आपने देखा कि चेतन ने ये सीखा कि हमें उतनी ही चीज लेनी चाहिए जितनी जरूरत हो, हमें लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।